ब्रेक 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 हेलो एवरीवन, शुभ नववर्ष। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर, अभी तो न्यू ईयर नहीं है। तो जी हाँ, न्यू ईयर तो नहीं है, लेकिन हम बंगाली हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जो है आज वैशाख महीने का पहला दिन है, तो हमारे नए साल की शुरुआत जो है हो चुकी है। तुलसी की तैयारी में लगी हुई हूँ सुबह से रेडी होके, ये नई वाली साड़ी पहन के सब तैयारी करना जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे घर में आम का झाड़ था, मैंने वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ लिए, फिर जोजो को रेडी करवा दिया, क्योंकि जोजो बार बार पीछे लग रहा था, मम्मा आप तो रेडी हो गए, नए कपड़े पहन लिए, मुझे कौन पहनाएगा, मुझे पहना दो। और मैं वीडियो कर रही थी तो कुछ कार्टून जैसे हरकत कर रहा था। फिर मैं जल्दी से आके यहाँ पे तोरण बनाना जो है स्टार्ट कर दिया। और इस साल ना मैं अकेली पड़ गई गाइस, क्योंकि हर साल मेरे हस्बैंड रहते हैं साथ में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, लेकिन इस बार वो भी नहीं है। और अकेले अकेले सब कुछ मैनेज करना, मिठाई लाना, ये फूल लेके आना, फिर घर में साफ सुथरा करना, नया साल रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें को करना, तो मुझे ना बहुत तकलीफ़ हो गई इस साल। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह दुकान चले गए और यहाँ पे मैं पड़ गई अकेली। स्वीटी ने भी हेल्प कर दी थोड़ी सी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी राहत हुई, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता था मुझे। फिर स्वीटी ना मुझे ये वीडियो करने में थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, उसके बाद वो घर चली गई तो मैंने अकेले ही किया ये। एक्चुअल में ना हमारे यहाँ पे आम के पत्ते से जो है तोरण बनाते हैं आज के दिन, उसमें आप कुछ फूल भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सिर्फ आम के पत्ते से कर सकते हो। तो मुझे लगा कि जब मिठाई लेने जा ही रही हूँ तो कुछ फूल लेके आऊँ, तो मिठाई के साथ साथ कुछ गेंदे के फूल्स लेके आई थी मैं, सॉरी फूल लेके आई थी मैं। तो ये 10 रुपये के कुछ फूल दिए थे उन्होंने, इतने ही चाहिए थे, और जो बचे खुचे थे वो मैंने भगवान के पूजा में लगा दिए। तो आम के पत्ते जो है मैंने ज़्यादा नहीं तोड़े, मेरे दरवाजे का जो मेज़रमेंट है वो लेके मैंने आम के पत्ते तोड़े थे, कुछ जो है बच गए थे, लेकिन हो गए थे। इससे भी अच्छा बन सकता था अगर मेरे हस्बैंड रहते थे मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। मैंने अकेले किया ना सब कुछ, तो हड़बड़ी में उतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं। Thank you.
इतना कुछ अकेले मैनेज करने के बाद ना मुझे आया केक ऑर्डर और अर्जेंट था, इसे कैसे भी कंप्लीट करके मुझे कस्टमर को देना था क्योंकि उसके भाई का बर्थडे था और उसने ना मेरे हस्बैंड से सुना था कि मैं बहुत अच्छा केक बनाती हूँ, तो उसने बोला भाभी आप कैसे भी करके मुझे केक बना के दो। तो ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैंने ये केक कंप्लीट किया और ये चॉकलेट गनाश वाला केक था ना, तो इसमें भी टाइम लगता है, इसको भी मैनेज करके बनाना बहुत ज़्यादा टफ गया आज का दिन। फिर शाम को हम गए मेरी ननद के घर, उन्होंने हमें इनवाइट किया था पहला बैशाख के अवसर पर खाना खाने के लिए, तो डिनर के लिए बुलाया था उन्होंने, तो हम गए थे वहाँ पे। और तभी ना लास्ट का जो आइटम है वो बन रहा था, पनीर की सब्जी बन रही थी, तो मैंने वहाँ पे जाके ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि आखिरी का आइटम बन रहा था तो खुद ही कर रही थी। तो बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी ननद और मुझसे उम्र में बड़ी भी है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है उनके हाथ का खाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो मुझे इनवाइट करती है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उनके हाथ के बना हुआ खाना खाऊँ। फिर थोड़ी देर बाद ना उन्होंने आइसक्रीम लाए थे तो वो दिए हम सबको खाने के लिए। आइसक्रीम मिला तो मैं तो खुश, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ आइसक्रीम मिल गया तो फिर मैं तो वेट कर रही थी कब जोजो वहाँ से जाएगा और आइसक्रीम खाना जो है वो मैं शुरू करूँगी, क्योंकि जोजो के सर अपना आइसक्रीम हम लोग खाते नहीं है, उसको एक दो बार अगर आइसक्रीम खाने को मिल जाए ना तो उसका सर्दी खांसी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, इसलिए जो वो वहाँ पे गया फिर हम लोग आइसक्रीम खाना शुरू कर दिए। बटरस्कॉच फ्लेवर का था, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि कब मैं खाना शुरू करूँ, और जो मेरे हस्बैंड आके देखे ना कि मैं खा रही हूँ तो उन्होंने भी स्माइल कर दिया कि मेरा खाना शुरू, तो मैं बोली हाँ मैं वेट नहीं कर सकती, मैं खा रही हूँ, आप लोग को जब खाना है तब खाओ। फिर मैं खाना शुरू कर रही थी और आइसक्रीम का टेस्ट जो है ना मुझे कैसा ही अच्छा अजीब ही लग रहा था, उतना ज़्यादा कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, फिर भी आइसक्रीम तो आइसक्रीम होता है, चलो खा लेते हैं कोई बात नहीं, मैंने पूरा खा लिया आइसक्रीम को। और इतना कुछ वीडियो करते करते ना मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत कम है, मैं बस वीडियो करती गई उसी चक्कर में जो ना कब वीडियो भी बंद हो गया और चार्ज भी चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे कुछ जगह पर शूट करना था वो मैं नहीं कर पाई, ये जो जब खेल रहा था ना तभी वीडियो शूट हो रहा था और उसके बाद ही जो है ना अचानक मेरा मोबाइल बंद हो गया और वीडियो भी नहीं हो पाया, इसलिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हुआ। ये खेले फिर हम खाना खाए उसके बाद ही हम घर आए। एक खेला खेलते हमें तो इटा दिए अबर का खेल बोले আমি তো সেই ভাবছি এক বছর ছিলেন না, ভাগ্যিস পিঁপড়া খাইয়ে কিছু করে না এটারে, তো পিঁপড়া নষ্ট করে দেয় এই জিনিসগুলো। आते समय जो है ना मैंने कार ड्राइव की थी और मैंने ना मेरे मोबाइल को चार्ज भी कर लिया था, जब हम आधे रास्ते आ रहे थे ना आधे रास्ते तक ही जो है मैंने कार के चार्जर से जो है मैंने मेरे मोबाइल को थोड़ा सा चार्ज कर लिया कि मैं थोड़ा सा वीडियो और कर पाऊँ जब मैं ड्राइव करूँ, तो मैंने मेरे हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि जाते वक्त ना मैं थोड़ा सा चलाऊँगी क्योंकि मैंने एक चीज़ शुरू की है उसकी वजह से मैंने बोला था। और इसके ऊपर भी ब्लॉग जल्दी आने वाला है, आप लोग वेट करना, जल्दी आपको वो वाला ब्लॉग मिल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो रात के टाइम पे मैं फ़र्स्ट टाइम चला रही हूँ कार, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि रात के लाइट्स में गाड़ी चलाना, ये कैसा एक एक्सपीरियंस रहता है ना, तो वो मुझे करना था, इसीलिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला और मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो, ये टाइम पे रास्ते में उतने कुछ ट्रैफिक रहता भी नहीं है, तुम चला सकती हो आराम से, इसलिए मैंने चलाना स्टार्ट किया। और आगे पहले जैसे चलाती थी ना उससे कुछ हद तक जो है इम्प्रूव हुआ था, बट यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम हो गई थी, देखो क्या हुआ था। ब्रेक 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 एक्चुअली मैं ना मुझे क्लच दबा के ब्रेक मारना था लेकिन मैंने एक्सीलेटर बढ़ा दिया जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी रेस कर गई। अब व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।